उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खेल महाकुंभ महाभारत में तब्दील हो गया। यहां खिलाड़ी आपस में ही भिड़ गए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खेल महाकुंभ के दौरान मारपीट का मामला सामने आया। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें खिलाड़ी जमकर हाथापाई करते दिख रहे हैं। मामला बस्ती के अमर शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम का है जहां खेल महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बहस हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक खिलाड़ी जमीन पर पड़ा है और उस पर तीन चार लोग हमला कर रहे हैं। वहां पर कई लोग मौजूद है लेकिन कोई उनमें से उसे बचाने के लिए सामने नहीं आ रहा। मैदान में दौड़ा दौड़ा कर खिलाड़ियों को पीटा जा रहा है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला हो रहा है। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद है लेकिन वो मूक दर्शक बनकर खड़े हैं। कबड्डी खिलाड़ियों के साथ इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बस्ती स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल प्रतियोगिता समाप्त होने के उपरांत कुछ लोगों में अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एक दिन पूर्व की खेल में हार जीत को लेकर मारपीट की घटना घटित हुई जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोषियों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर कोलकाता में एक एयर होस्टेस ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि कई सालों से काम नहीं मिलने की वजह से वो बहुत परेशान थी। पश्चिम बंगाल में एक महिला जिंदगी की परेशानियों को नहीं झेल पाई और उसने मौत को गले लगा लिया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एयर होस्टेस की छत से गिरने से मौत हो गई है। शुरुआती जांच में पाया गया कि देवप्रिया बिस्वास ने आत्महत्या की है। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त एयर होस्टेस अपनी बहन के घर पर थी और उसने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे SSKM अस्पताल में एडमिट करवाया गया जहां पर कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। पूछताछ में पता चला कि देवप्रिया पिछले कई साल से बेरोजगार थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में थी और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। परिजनों ने बताया कि पिछले 2 साल से काम न मिलने की वजह से वो बहुत परेशान थी। कोलकाता के प्रगति मैदान इलाके में रहने वाली देवप्रिया की मौत के पीछे परिजनों ने किसी तरह का संदेह नहीं जताया है और न ही किसी के खिलाफ कोई शिकायत की है। पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू कर दी है। यह घटना शनिवार की शाम 4 बजे की है। 27 साल के हॉस्टेस की मौत के बाद देवप्रिया के घर में मातम का माहौल है। प्रगति मैदान पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के तमाम पहलुओं की जाँच शुरू कर दी है। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।